हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल वीज़ एक्सपर्ट में, और सारे भाइयों को दिल से अस्सलाम वालेकुम और राम राम। और हमारे टोटल 4 ब्रांचेस हैं, मुंबई, गुजरात, कलकत्ता और राजस्थान। ठीक है, देखो सारे ब्रांचेस पे मैं विज़िट करते रहता हूँ। ठीक है, तो आप कॉल करते हो तो मुझे ही जाता है नंबर, और ठीक है फिर मैं आपको बोलता हूँ कि आप आ जाओ। ठीक है, अभी बहुत सारे लोगों ने जो भी कॉल किया है, ये ब्रांच बताओ, वो ब्रांच बताओ, ठीक है, बाप से आप लोगों ने बात करके किया होगा, अच्छी बात है उसकी। ठीक है, और मैं जो बोलता हूँ यहाँ पे क्लियर बात करता हूँ, ठीक है, और खुली बात करता हूँ कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, ये याद रखो, यहाँ पे टोटल 4 कैटेगरी के ऊपर बात करता हूँ। यहाँ पे टोटल 4 कैटेगरी है, ठीक है, 4 तरीके के कैटेगरीज हैं। और एक बात सुन लो, जो फालतू के लोग आके बकवास कर रहे हैं ना किसी के बोलने पे, वो तुम्हारा बाप नहीं है या तुम उसके कुछ लगते नहीं हो। बोलना तो बहुत कुछ चाहूँ तो बोल दूँ, पर ठीक है, दुनिया कैसी है वो दुनिया देख के चलो। ठीक है, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाने वाले, पता चलता है कभी कभी, है ना, कंधा नहीं मिलता है हर जगह, समझ गए। ये तुर्की के लिए है, और पेपरलेस वीज़ा भी है और स्टिकर वीज़ा भी है। ठीक है, यहाँ पे पहला है जो फैक्ट्री हेल्पर का काम है। ये जो फैक्ट्री है, ये चिकन फैक्ट्री का काम है। 10 कैंडिडेट सिर्फ चाहिए इसमें। ठीक है, मैं USD डॉलर में बताता हूँ सैलरी, आप उसको तुर्कीज में भी जाके कन्वर्ट कर सकते हो कि कितना बन रहा है। ठीक है, 600 USD सैलरी इसकी बेसिक है, और 20 साल से लेकर 50 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हो। सर्विस चार्जेस 1,35,000 है, 1,35,000। ठीक है, सेकेंड जो कैटेगरी है वो सिक्योरिटी गार्ड, 5 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। ECR ECNR दोनों पासपोर्ट एक्सेप्टेड है, पढ़े लिखे अनपढ़ दोनों लोग अप्लाई कर सकते हो। 600 USD इसकी सैलरी है, 20 साल से 50 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हो। सर्विस चार्जेस की बात करूँ, 1,35,000 से 1,35,000। और थर्ड जो कैटेगरी है वो है इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन का काम आप लोगों को आना चाहिए। 5 कैटेगरी है, 5 कैंडिडेट चाहिए सिर्फ। ECR है, ECNR दोनों पासपोर्ट एक्सेप्टेड है। 800 USD उनकी सैलरी है बेसिक, 20 साल से लेकर 50 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हो। सर्विस चार्जेस की बात करूँ, 1,35,000 है। ठीक है, 1,35,000 सर्विस चार्जेस है टोटल इसका। लास्ट जो कैटेगरी है वो जर्नल वर्कर का काम है, मतलब कंस्ट्रक्शन हेल्पर का काम है, ये कंस्ट्रक्शन का काम है। 15 कैंडिडेट चाहिए, सैलरी जो है वो 700 USD सैलरी है। 20 साल से लेकर 45 साल तक के लोग इसमें, सॉरी 50 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हो। सर्विस चार्जेस जो है वो टोटल सर्विस चार्जेस है 1,35,000 है। ठीक है, 1,35,000 है, और टोटल अभी किसी ने कमेंट सेक्शन में किया था कि सर कैनेडा का बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, बहुत सारे वीज़े लगा के बैठा हूँ, आके ऑफिस में देखो, और बहुत सारे काम हैं जो मैं यूट्यूब पे नहीं डालता हूँ प्रॉपर। ठीक है, ये याद रखो। यहाँ पे आप लोगों ने वो कनाडा का देख ही लिया होगा, अब कुछ मरने के लिए आ जाएंगे मैसेज करने के लिए कि ये लगाए हो वो लगाए हो, तो जिन्हें काम करवाना है वो करवाओ, फालतू के समय बर्बाद मत करो, ना अपना करो ना मेरा करो। ठीक है, और फालतू के मैसेज व्हाट्सएप पे या कुछ भी मैसेज मत करो। जो फालतू के मैसेज रहते हैं मैं उन सभी लोगों को इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि इतने सारे मैसेज रहते हैं, सभी को रिप्लाई देना रहता है। ठीक है, और इसका जो टोटल प्रोसेसिंग टाइमिंग है वो 45 डेज का रहेगा। 30 अगस्त तक इस वैकेंसी की लास्ट डेट है। ECR ECNR दोनों पासपोर्ट एक्सेप्टेड है, पढ़े लिखे अनपढ़ दोनों लोग अप्लाई कर सकते हो। ओरिजिनल पासपोर्ट ऑफिस में ला के जमा करना है, एडवांस पेमेंट कंपलसरी है, 35,000 एडवांस है। 1 साल का ये शटडाउन का काम है। ठीक है, उसके बाद रिन्यूअल करके अगर आप लोगों को रहना है तो आप लोग रह सकते हो। कंपनी आप लोगों को रहना खाना प्रोवाइडेड कर रही है। 2 साल के बाद टिकट विल बी प्रोवाइडेड बाय कंपनी की तरफ से। लोकल ट्रांसपोर्टेशन ये सब कुछ कंपनी की तरफ से रहेगा। जो जॉब का टाइमिंग है वो 8 घंटे का, 1 घंटे का लंच ब्रेक, 9 घंटा, प्लस डेली आप लोगों को 3 से 4 घंटे का ओवर टाइम मिलेगा। अगर आप लोगों को करना है तो आप लोग करें, नहीं करना है तो मत करें। जितना बेसिक काम है उतना ही आप बेसिक काम करें। ठीक है, और बाहर जाते हो काम करने के लिए जाते हो तो गांड मरा के काम करो, वहाँ पे
दूसरे के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। मेडिकल जो भी है वो कंपनी आप लोगों को प्रोवाइडेड कर रही है। अब यहाँ पे देख लो, डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट की कॉपी, फ्रंट बैक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इंट्रोडक्शन वीडियो, एडवांस पेमेंट 35,000 है, कंपनी के अकाउंट में आप लोगों को पे करना है, ठीक है। या ऑफिस में आते हो, पासपोर्ट सबमिट करो, पासपोर्ट के साथ पेमेंट जमा करो। उसके बाद जब आप लोगों का पेपरलेस वीज़ा या स्टिकर वीज़ा आ जाए तो पूरा रिमेनिंग पेमेंट एक साथ पे कर देना है। एक साथ जो भी पेमेंट बचा हुआ है वो पूरा एक साथ पेमेंट आप लोगों को क्लियर करना है। अदर जो फैसिलिटीज है वो एज़ पर तुर्की लेबर लॉ के हिसाब से मिलेगा। डॉक्यूमेंट फिर से सुन लो, पासपोर्ट की कॉपी, फ्रंट बैक, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, इंट्रोडक्शन वीडियो, ठीक है, ये चाहिए। उसके बाद ऑफिस में आते हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, और एक चेक लेके आया करो, ठीक है। 35,000 एडवांस है। उसके बाद जब आप लोगों के पासपोर्ट पे स्टिकर वीज़ा या पेपरलेस वीज़ा आ जाए तो आप लोगों को पूरा का पूरा रिमेनिंग पेमेंट 1,00,000 रुपीज़ बचा हुआ है वो एक साथ पे करना है, ना कि सर मैंने थोड़ा पे कर दिया है, देख लो, ये कर दो, ठीक है, ये याद रखो, एक साथ पूरा पेमेंट क्लियर कर देना है। अब यहाँ पे देख लो, कुछ बातें बताता हूँ आप लोगों को। मैं मेरे काम से ही मतलब रखता हूँ, फालतू की बातें नहीं, ठीक है। जिन्हें काम करवाना है वो करवाएं, जिन्हें नहीं करवाना है मत करवाएं। काम करवाना है तो सही तरीके से करवाओ, नहीं करवाना है मत करवाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल वीज़ा एक्सपर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लेके।